हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको स्कैम कैसे होता है और कैसे लोग कर लेते हैं और उससे कैसे बच के रहना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप जानें और जानकारी दें, लोगों को भी सतर्क करें, क्योंकि हमारे गरीब भाई जो हैं वो बच सकें। ऐसा ही स्कैम एक हमारे सामने आया, उसका हम वीडियो आपको जारी करेंगे। और एक फ़ोन से स्कैम, आज हमारे कुछ भाई लोग फ़ोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, भारत पे चलाते हैं, बहुत से ऐसे ऐप चल रहे हैं कि वो हमारी बैंक से अटैच होते हैं, उन्हीं ऐपों से हमारी बैंक की पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो लगा ही रहता है बैंक में, उसी पे आपको कॉल करेंगे, ऐसे नंबर से करेंगे कि उस पर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी आपकी चूक हो गई तो समझ लो कि आपका अकाउंट खाली। इसीलिए किसी आदमी को, किसी को भी पिन नंबर शेयर मत करना, किसी को CVV नंबर शेयर मत करना, किसी को भी आप OTP अगर आ रहा है तो किसी को आप शेयर मत करना। इस बंदे पे आपको भरोसा ना हो। आप देखिए स्कैम करने वाले कैसे स्कैम करते हैं और कैसे कैसे धमकाते हैं। वो लोग बैंक अकाउंट को भी हैक करते हैं, हमारा फ़ोन भी हैक कर लेते हैं कि आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो पहले इस वीडियो को आप देखिए और फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। अकाउंट नंबर दिख रहा है ना सर? हाँ जी सर। तो उसी अकाउंट नंबर के ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंदर पर आपका 8,999 रुपए पे हो जाएगा सर। अच्छा 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 जी सर। तो उसी फिर से सर क्लिक करिए। अच्छा फिर से पे क्लिक करना है? जी सर, फिर से आप पे पर क्लिक करिए। ठीक है, मैं पे क्लिक कर रहा हूँ। जी सर। अरे सर, ये तो UPI पिन मांगने लगा, UPI पिन क्यों मांग रहा है? सर देखिए, वेरिफिकेशन सर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा कि सर ये आपका अकाउंट है कि नहीं है, इसलिए सर UPI पिन मांगा जा रहा है। सर UPI पिन डालिए सर। वैसे अच्छा, आप अच्छा। UPI पिन डालते हैं वैसे हाँ। सर आपके बैंक अकाउंट में सर 8,999 रुपए सर जमा हो जाएंगे सर। ये वेरिफिकेशन के लिए सर पिन मांगा जा रहा है। अच्छा अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है, यानी कि पिन डालेंगे तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा? जी सर, जैसे आप पिन डालेंगे सर वैसे क्या होगा कि अच्छा। सर ये वेरिफिकेशन होगा कि मतलब सर ये आपका अकाउंट है कि नहीं आपका अकाउंट है। अच्छा। जैसे कंफर्म हो जाता है कि सर आपका अकाउंट है, वैसे आपके बैंक अकाउंट में सर 8,999 रुपए पे हो जाएंगे सर। अच्छा 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 जी सर। अगर नहीं हुआ पे, मेरे अकाउंट से कट गया तो फिर क्या होगा सर? आप हमारे ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर, आपको फोन पे अच्छा। कंप्लेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आपके फर्जी नंबर के ऊपर मैं कंप्लेंट करूंगा, या पता नहीं कैसे फर्जी नंबर से फोन किया, ये फेक नंबर लग रहा है हैं? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ये फर्जी नंबर नहीं है सर। आपको नहीं, ये फर्जी नंबर है, ये 12-15, ये कम से कम 12-15 नंबर का कम से कम ये है अंकों का, तुमने 15 अंकों का कम से कम तुमने फोन मिलाया है। क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखे हो, लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल ले हो, ये हरामखोरी तुम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। सर देखिए, आप ब्लेम लगा रहे हैं हमारे ऊपर सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं सर, हमको फ्रॉड नहीं बोल सकते नहीं, सर, आप अगर हमें फ्रॉड बोलोगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे सर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो अच्छा। सर आप एक मिनट हमारी बात सुनिए सर, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है हाँ। तो सर एक मिनट आप बात सुनेंगे हमारी? हाँ बताइए सर। देखिए, अगर आपको ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं हो रहा तो सर एक बार आप UPI पिन डाल के देख लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे आप UPI पिन डालेंगे वैसे सर आपके बैंक के अच्छा, अच्छा। 8,999 रुपए अच्छा, अच्छा। जमा हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैलेंस लेने के लिए कब से UPI पिन डालने की जरूरत पड़ने लगी? ये तो देखिए, UPI पिन सुनिए, UPI पिन तभी डाला जाता है जब पैसा बैलेंस चेक करना होता है या फिर किसी को बैलेंस ट्रांसफर करना होता है। ये इस तरीके से पैसा लेने के लिए कभी UPI पिन नहीं डाला था, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम। ये 8,999 रुपए ये मेरे अकाउंट से कट जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि टोटल पेबल अमाउंट, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है यहाँ पे सेंडिंग लिख के आ रहा है, सेंडिंग यानी कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, UPI पिन डालूंगा मेरे अकाउंट से कट जाएगा। यहाँ पे लिखा है UR ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट, यहाँ पे लिखा है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है साफ साफ। सर मेरा आप दिमाग खराब कर रहे हैं, इस देर से आपकी समझ में नहीं आ रहा है। सुन, मैं जानता हूँ कि तू फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा तेरी ये जो बेवकूफ बनाने की जो ये कला है ना, ये मैं पूरा जान गया हूँ, और ये तेरा नंबर लोग तुझे पता चल गया? हाँ पता चल गया कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। हाँ तू फ्रॉड कर रहा है बेटा, मैं और सुन तेरा मैं पूरा ये वीडियो बना रहा हूँ, वायरल करूंगा पूरा हर जगह पे, समझा, हर जगह पे। तो बीच
तू वीडियो भी मेरा बना रखा है हाँ, करने का, तो वीडियो तेरा तेरा ये वीडियो में ना सुन सुन तेरा ये वीडियो में बड़े बड़े ग्रुपों में डालूंगा ठीक है, फेसबुक पे हर जगह पे। नहीं है तू पहले मेरा नंबर चेक कर ले ठीक है हाँ। इस नंबर पर ना कोई FIR हो सकती है ना कुछ हो सकता है, फेक नंबर है ये, लाइफ में कभी लग भी नहीं सकता ना तो ट्रैक हो सकता है। अच्छा अच्छा तेरी आवाज तो बेटा रिकॉर्ड हो गई है ना, तू जहाँ पे रहता होगा लोग तो तुझे जानेंगे ना, तो फ्रॉड काम करता है ठीक है। वॉइस चेंजर लगा के हम बात। अच्छा करते अच्छा अच्छा चल चल बेटे चल बेटे तू तू जो आवाज की और हाँ मेरी आवाज ओरिजिनल तुम्हारे पास नहीं जा रही है ना, सुन सुन तू जो फ्रॉड तुम जो ये फ्रॉड कर रहे हो कम से कम लोगों को तो पता चलेगा कि किस तरीके से तुम लोगों को आजकल बेवकूफ बना रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। तुम्हारे जैसे लाखों चूतियां फंसते हैं हमारे पास, अभी तू ही नहीं फंसा ना। सुन अब कोई नहीं जानता है, सुन ये वीडियो देखने के बाद कोई नहीं फंसेगा। सुन दिमाग तूने बहुत खराब कर दिया मेरा, बता सुन जो ये फोन पे का फ्रॉड तू कर रहा है ना बेटा, ये जो फोन पे का फ्रॉड 8,999 रुपए का, ये वीडियो देखने के बाद कोई नहीं फंसेगा ठीक है, चाहे जो हो बेटा। तू कौन देखेगा तेरा वीडियो, ये बता कौन देखेगा तेरा वीडियो। मेरा वीडियो लोग शेयर करेंगे, लोग बड़े बड़े ग्रुपों में लोग जानेंगे ठीक है, तुम जानता नहीं वायरल कर दूंगा तुझे बेटा, तुझे दिक्कत होने लगेगी समझा, करके तू दिखा तू पकड़ा जाएगा। एक बात मेरी और सुन हाँ, अगर मेरा ये वीडियो पड़ गया हाँ कहीं पर भी पड़ गया हाँ, तो मैं तेरा पूरा फोन हैंग कर लूंगा ठीक है। अच्छा बर्बाद कर दूंगा। अच्छा तू उल्टा चोर कोतवाल नहीं बनना चाहिए, मैं समझाए दे रहा हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तू मुझे धमकी दे रहा है बेटा, चल तू फोन रख ठीक है, अब तुझे पता चलेगा। मैं मेरा वीडियो पढ़ना जा ठीक है। हाँ चल अभी तुझे पता चलेगा, ये जो फ्रॉड कर रहा है ना ये देखिए इसने कॉल कट कर दिया ठीक है। आपने वीडियो देख लिया, जानकारी कुछ आपको मिली होगी कैसे कैसे ये लोग नंबर से फ़ोन करते हैं, वॉइस चेंजर लगाते हैं, नेट द्वारा ये लोग कॉलिंग करते हैं कि वो नंबर दोबारा लग भी नहीं सकता, आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर कीजिए कि जो हमारे गरीब भाई उसमें मतलब डूब रहे हैं, जिनके साथ धोखा किया जा रहा है वो बच सके। दोस्तों बस हमारा यही कहना था, क्योंकि हमारे एक भाई के साथ हो गया तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आप लोगों को भी दिखाते हैं और जागरूक करते हैं। तो आपने वीडियो तो देखा है, स्कैम करने वाले कैसे करते हैं, और एक लाइक और शेयर से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी को तो सीख मिल सकती है अगर एक बार आप शेयर कर देंगे तो। हो सकता है एक शेयर आपका किसी के काम में आ जाए, किसी को ज्ञान मिल जाए, और किसी के साथ अगर धोखा हो रहा हो तो हो सकता है वो शायद बच जाए एक शेयर से आपका, कुछ नहीं। तो दोस्तों यही कहना था मुझे, यही मुझे संदेश देना था। वीडियो हमने आप लोगों को जागरूकता करने के लिए कि आप देखें, आप भी हो सकता है आप रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ हो, आपके भाई के साथ ऐसा हुआ हो, कहीं ना कहीं आपने सुना हो, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और बस इतने कहना चाहते थे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।